सोमवार व्रत का था। सनातन धर्म में कई 16 सोमवार व्रत करती हैं, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती हैं। इस 16 सोमवार व्रत को संभव हो सके तो श्रावण मास से शुरू करना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि आपको सफलताएं मिलें तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष से भी शुरू कर सकते हैं और लगातार 16 सोमवार तक इस व्रत को करते हैं। 16 सोमवार व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार शिवजी जी और माता पार्वती मृत्यु लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसीलिए महादेव जी पार्वती जी के साथ वहाँ रहने लग गए। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिवजी जी को चौसर खेलने को कहा। शिवजी जी राजी हो गए और चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनी कार्ती के लिए आया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में चौसर में कौन जीतेगा? तो पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह में तुरंत निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गईं और शिवजी जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को श्राप देना चाहा। तभी शिवजी जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उस कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफ़ी समय तक वो कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिवजी जी की आराधना के लिए आए और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करने चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से मंजरी बना देना। उस मंजरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस मंजरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिवजी जी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वह खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिवजी जी और पार्वती जी दोबारा उस मंदिर में लौटे तो उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वस्थ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा, उसने 16 सोमवार व्रत किए जिसका उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी ने उस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी यह व्रत किया और उससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा जिससे वो वापस घर लौट आए। पार्वती जी ने उन्हें इन सब से के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय यह सुनकर बहुत खुश हुए। कार्तिकेय ने अपने विदेश गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने के लिए विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी कि जिस भी मनुष्य के गले में हथनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी वहीं था और भाग्य से उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली?
उसने कहा, प्रिय मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे, उसी के प्रणाम स्वरूप तुम मुझे लक्ष्मी जैसी दुल्हन मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और जब पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने पूछा, माँ आपने ऐसा क्या किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र मिला? उसने भी उसके पुत्र को 16 सोमवार व्रत करने की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए यह व्रत रखा। तो जो भी आपके मन में कामना है, नौकरी पाने की है, अपने कार्य में सफलता के लिए है, तो जरूर पूरी होती है। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश कर रहा था, तो उस लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को उसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो उसने वो राजा बन गया, क्योंकि उस राजा ने कोई पुत्र भी दोस्तों नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वह सोमवार व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई, तुम्हारी पत्नी को अपने महल से दूर रखो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी यह बात बताई, तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से यही उसे राजपाट मिला है वो उसी को महल से बाहर निकालेगा, लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सर पर रख दी। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक तूफान आया और वह टोकरी उड़कर चली गई। अब तो बूढ़ी औरत रोने लग गई और उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लग गया। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर उसको वहां से भगा दिया। उसके बाद वो एक सुंदर तालाब के पास पहुंची और जैसे ही पानी पीने लगी उस पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। उसने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और एक पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गईं। अब तो वो जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती थी। ऐसा देखकर वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा, बेटी तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूँगा, तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वो आश्रम में रहने लग गई। अब तो वह भी खाना बनाती, पानी लाती, उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर वह पुजारी आश्चर्यचकित होकर उससे बोला, बेटी तुम पर यह कैसा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है। उसने वही शिव पूजा में न जाने वाली कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिवजी जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने को कहा। उससे उसे जरूर राहत मिलेगी। उसने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा, वो कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसीलिए उसने अपने आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढने लगे, उस पुजारी के घर पहुंच गए और उन्हें वहां राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा, अपने राजा को खोप कि तुम खुद आकर उसे ले जाएं। राजा खुद वहां पर आया और राजकुमारी को वापस अपने महल लेकर आया। इस तरह जो भी ये 16 सोमवार व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएँ, उसकी सारी इच्छाएँ जरूर पूरी होती हैं। बोलो भगवान शंकर की जय हो, बोलो भगवान शंकर की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो।